दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो फिनिश में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सपा नेता आजम खान के बयान पर बवाल, कर्नाटक में येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में भाजपा कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस रापांग समेत सभी दलों ने पीठासीन सभापति रमा देवी के बारे में आजम खान की टिप्पणी की पार्टी लाइन से हटकर के कड़ी निंदा की और स्पीकर से इस मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले पर शून्यकाल में निचली सदन में विभिन्न दलों की महिला सांसदों समेत सभी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी। महिला सांसदों ने स्पीकर से ऐसी कार्रवाई करने की मांग की है जो नजीर बन सके। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि या तो आजम खान इसके लिए माफी मांगे या उन्हें निलंबित कर दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों से इस मुद्दे पर बात सुनने के बाद उन्होंने कहा है कि वह सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य आजम खान के आचरण पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि वह पुरुषों समेत सभी सांसदों पर धब्बा है। इस घटना से पूरा सदन शर्मसार हुआ है। अगर ऐसी घटना सदन से बाहर होती तो पुलिस से संरक्षण मांगा जाता। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ करके बच नहीं जा सकता, वह सिर्फ महिला का सवाल नहीं है। स्पीकर ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा ऐसी बात करने की कोई हिम्मत न कर सके। इस घटना के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा में उपाध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी पर सपा सांसद आजम खान की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने सभी महिलाओं से माफी मांगने को कहा है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि सपा सांसद आजम खान द्वारा लोकसभा में पीठासीन महिला के खिलाफ जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह महिला गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और अति निंदनीय है। लोकसभा चुनाव द्वारा मिलकर के लड़ने के हाल ही बाद सपा से नाता तोड़ चुकी बसपा प्रमुख ने कहा है कि आजम खान को इसके लिए संसद में नहीं बल्कि सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि इमारतों को ध्वस्त करने वाला बम इस्तेमाल करना चाहिए था, बालाकोट हमले पर बोले वायुसेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कहा है कि अगर हमें मालूम होता कि पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हवाई हमले पर पैगोंडा होता है तो भारतीय विमानों के जरिए ऐसे बम गिराए जाते जिससे पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो जाता। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने इसी साल 26 फरवरी को जम्मू और कश्मीर के LOC पार कर पूर्वोत्तर पाकिस्तान में बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी कैंप पर इजरायली निर्मित स्पाइस 2000 बम का पेनेट्रेट वर्कन गिराया था। इस हथियार इमारतों को भेदते हुए इंसानी निशानों को भी खत्म कर दिया था और इसके इस्तेमाल से यह जरूरी नहीं होता है कि पूरी इमारतें ध्वस्त हो गई। कारगिल युद्ध में भारत की जीत की 20वीं वर्षगांठ पर बातचीत करते हुए BS धनोआ ने कहा है कि दूरदृष्टि से सोचने पर अगर आप पैगोंडा वार पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि हमें दूसरा स्पाइस बम गिराना चाहिए था जो पूरी इमारत को ध्वस्त कर डालता। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि राज्यपाल से मिलकर के BS येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में BJP अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश किया है। BS येदियुरप्पा आज शाम 6 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्य में 3 दिन पहले ही कांग्रेस JDS गठबंधन की सरकार गिरी है। इससे यहां पर नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष KR रमेश कुमार ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के 3 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया। कुमार ने इस कदम से कांग्रेस जद गठबंधन गिराने के 2 दिन बाद राज्य में नई सरकार के गठन पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। कुमार ने फैसला किया है कि 3 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक और स्वाभाविक नहीं है और इसके लिए उन्हें 2023 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक तत्काल प्रभाव में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है। अगर ऐसा फैसला सुनाते तो अध्यक्ष ने कहा है कि वह अगले कुछ दिनों शेष 14 मामले पर फैसला करेंगे। स्पीकर ने कहा है कि वह अगले कुछ दिनों में यानी कि 14 अन्य विधायकों के संबंध में
उनमें पास जो निलंबित इस्तीफे हैं और अयोग्य याचिकाओं पर फैसला करेंगे। गौरतलब है कि 23 जुलाई को विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में कुमारस्वामी सरकार के अल्पमत में आ गई थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि पीएम को खुला खत लिखने वालों पर कंगना, प्रसून समेत 61 अन्य शख्सियतों का पलटवार। जी हां दोस्तों, देश में हो रही मॉब लिंचिंग की वारदात और जय श्री राम के नारे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 49 जानी मानी शख्सियतों द्वारा खत लिखे जाने के 3 दिन बाद ही 61 अन्य शख्सियतों ने खत लिख करके पीएम को खत लिखने वालों पर चुनिंदा घटनाओं पर गुस्सा जताते हुए और झूठे किस्से सुनाने और खास तौर पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा है। इस नए खत में लेखकों ने भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, फिल्मकार मधुकर भंडाकर और विवेक अग्निहोत्री के अलावा शास्त्रीय नर्तकी और राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इस खत में लिखा गया है कि 23 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रकाशित खुले खत में हमें अचंभे में डाल दिया है। देश की चेतना के 49 स्वयंभू रखवालों और अभिभावकों को चिंता व्यक्त की है और साफ तौर पर राजनीतिक पक्षपात का प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस योजना में किया गया बड़ा बदलाव, लाखों लोगों को होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार को और आगे ले जाने का प्लान रही है और इस योजना के तहत केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.4 लाख अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत अब बनने वाले कुल घरों की संख्या 85 लाख हो जाएगी। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने यह जानकारी दी है। उनके मुताबिक शहरी गरीबों के लिए 1,40,134 अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 492 प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए गए हैं, जिस पर से 6,442 करोड़ खर्च आएंगे। इसमें से केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से 2,102 करोड़ की आर्थिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बनने वाले घरों की संख्या में उत्तर प्रदेश में 54,277 घर, पश्चिम बंगाल में 26,585 घर, गुजरात में 26,185 घर बनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता कि अब कर्ज में डूबे पाकिस्तान में नहीं मिल रही दवाइयां, भारत ने की मदद। जी हां दोस्तों, भारी कर्ज संकट में डूबे पाकिस्तान में इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ते और सांप के काटने के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली रेबीज रोधी और सांप के जहर से निपटने वाली वैक्सीन भारत से खरीद रही है। पिछले 16 महीनों में करीबन 2.56 अरब डॉलर पाकिस्तानी रुपए की दवा भारत से खरीदी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान मौजूदा समय में भारी कर्ज में दबा हुआ है। रुपए की कमजोरी के चलते विदेशों से सामान खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा है। ऐसे में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गया है और बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि भारत ने की पाकिस्तान को मदद। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास देश में इसके लिए पाई जाने वाली मांग के अनुरूप इसमें बताए जाने की क्षमता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि क्या रेल किराया बढ़ने वाला है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया यह जवाब। जी हाँ दोस्तों, उत्पादन शुल्क व सेस में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में क्या रेल मंत्रालय रेल किराए में बढ़ोतरी करने वाला है? प्रश्नकाल के समय कांग्रेस नेता वी के हरिप्रसाद ने रेल मंत्री से जवाब मांगा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की अस्थिरता पर असर यात्री या माल भाड़ा पर होगा या नहीं। तो आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिया है जवाब। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किराए में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। पीयूष गोयल ने यह कहा है कि रेलवे द्वारा डीजल की खपत में सालों से कमी आ रही है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहा है और 2022 तक 100% विद्युतीकरण की योजना है। प्रश्नकाल के समय कांग्रेस नेता वी के हरिप्रसाद ने रेल मंत्री से पूछा था कि इस महीने की शुरुआत में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 1 रुपए उत्पादन शुल्क व सेस बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि भारत में पहली बार होगा ज्वाइंट वार गेम, जैसलमेर में 8 देशों के बीच होगी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना देश में पहली बार ज्वाइंट वार गेम एक्सरसाइज का आयोजन करने जा रही है। इस ज्वाइंट वार एक्सरसाइज का आयोजन जैसलमेर में होगा और कुल 8 देश इसमें भाग लेने वाले हैं। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि इस एक्सरसाइज में बेलारूस, रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया देश शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि सूडान के प्रतिभागी सदस्य 1 अगस्त को
जैसलमेर पहुंचने वाले हैं और उन्हें बताया है कि जैसलमेर पहुंचने के बाद भारतीय सेना के अधिकारियों ने इन सभी देशों के प्रतिभागियों का स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता को 6 अगस्त से 14 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। इस एक्सरसाइज में रूस और चीन के प्रतिभागी विशेष रूप से हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान और भारी बारिश को लेकर के। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से ताजा रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।